Samsung S24 Ultra प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में 4,30,000 और इंडिया में 1,30,000 प्राइस है इसकी। AI फीचर्स को देख के हम इतने ज्यादा पैसे देने वाले हैं तो क्या बताऊं अगर कि हमें AI के भी पैसे देने पड़ेंगे। जी हाँ, AI 2025 तक फ्री है, इसमें बाद में हमें पे करना पड़ेगा AI फीचर्स के लिए। तो अभी आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे, ये ऑफिशियली Samsung की वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले किया गया है कि ये AI फीचर्स 2025 तक फ्री हैं, इसके बाद आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा जैसे हमें iCloud की स्टोरेज के लिए पे करना पड़ता है। सेम इसी तरह हमें इसके AI फीचर्स को इनहेंस करने के लिए हमें इसके लिए पे करना पड़ेगा। 6.8 इंच का डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास आर्मोर की प्रोटेक्शन, HDR10 प्लस सपोर्टेड 2600 की नीट्स पीक, 200 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 12GB रैम, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। क्या बताऊं अगर इससे लो प्राइस में आपको सेम ये चीजें मिल जाए, 6.8 इंच का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, एंड्रॉइड 14 की अपडेट प्लस नीट्स पीक आपको 4500 की मिल जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 Plus 12 की, जिसमें हमें 6.8 इंच का डिस्प्ले, 12 to 24GB तक की रैम एक्सटेंशन मिल जाएगी, नीट्स पीक हमें इसमें 4500 की नीट्स पीक मिलेगी और Samsung में हमें 2600 की नीट्स पीक मिल रही है। HDR10 प्लस सपोर्टेड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी है, देन 3150 पिक्सल की इसमें बेजल्स भी है, एंड्रॉइड 14 ऑक्सीजन OS 14 का OS चिपसेट भी है, ऑक्टोकोर की इसमें CPU भी लगाया गया, सेम CPU ही Samsung में लगाया गया है। 1TB की हमें इसमें इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाएगी। कैमरा में डिफरेंस आ जाता है, वहाँ कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, यहाँ कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, थोड़ा सा कैमरे का डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा क्वालिटी का भी, कैमरे में क्वालिटी का डिफरेंस आ सकता है, साथ ही साथ प्राइस में डिफरेंस आता है। प्राइस वन प्लस की प्राइस बन जाती है 2,30,000 रुपए और देन 64,000 रुपए इंडिया में बन जाती है, 2,30,000 रुपए पाकिस्तान में बन जाती है। अगर सेम चीजें गेमिंग के लिए और डिस्प्ले में ये चीजें हमें मिल रही है लो प्राइस में, तो हम AI फीचर्स के सिर्फ AI को इनहेंस करने के लिए Samsung को खरीदना मेरे ख्याल से एक बेवकूफी होगी। हम एक्चुअली रिव्यू कर रहे हैं Samsung का, तो Samsung के बारे में बात कर लेते हैं। सिम स्लॉट में हमें या तो दोनों eSIM यूज कर सकते हैं या एक फिजिकल सिम और एक eSIM यूज कर सकते हैं, दोनों हम फिजिकल सिम यूज नहीं कर सकते हैं। Samsung की अपडेट अब हमें 7 ईयर तक मिल सकती है, मतलब कि हम एंड्रॉइड 21 तक अपडेट कर सकते हैं। Samsung S24 Ultra के अलावा हमें OnePlus में भी 6 साल की अपडेट देखने को मिलेगी और देन iPhone में भी हम 6 साल तक की अपडेट कर सकेंगे, मगर Samsung S24 Ultra में हम 7 साल के लिए अपडेट कर सकेंगे, मगर बेसिकली ये आगे जाके पेड फीचर्स होने वाले हैं इसके। 200 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 5x ऑप्टिकल जूम के साथ प्लस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ प्लस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के बगैर मगर सुपर स्टेडी वीडियो बनाने के काबिल होगा। 8K तक हम इसमें मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं, 8K 30fps तक, ना कि 8K 60fps तक हम बना सकते हैं, मगर 4K 30fps, 60fps, 120fps तक हम वीडियो बना सकते हैं, मतलब स्लो मोशन भी हम 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। HDR10 प्लस सपोर्टेड है, स्टीरियो साउंड इसमें सपोर्टेड है, 12 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा, वाइड कैमरा, अल्ट्रा वाइड फ्रंट सेल्फी कैमरा हमें देखने को नहीं मिलेगा, 4K 60fps तक का मैक्सिमम इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो वी यूज इट फॉर व्लॉगिंग Also, fingerprint under display but no face lock, 5000 mAh की बैटरी, 15W का वायरलेस चार्जर सपोर्टेड, कलर में टाइटेनियम ब्लैक, ग्रे, वायलेट, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज प्लस 232 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा हमें। ओवरऑल रिव्यू में ये एक प्रीमियम डिवाइस है, बेहतरीन डिवाइस है, बेटर डिवाइस है Samsung S23 Ultra से, बेटर डिवाइस है, इसमें AI फीचर्स काफी देखने को मिलेंगे, गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 देखने को मिलेगा, प्लस कैमरे में इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलेगी, 100x का जूम देखने को मिलेगा, सो हम कैमरे के लिए भी यूज कर सकते हैं, गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, व्लॉगिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, वैसे प्रीमियम मोबाइल है, मगर प्राइस हाइप की गई है, प्राइस बहुत ज्यादा है सिर्फ Samsung होने की वजह से, मगर यही सेम चीजें हमें OnePlus में देखने को मिलेंगी, तो हमें उसमें प्राइस को थोड़ा डिक्रीज मिल सकता है। सो मेरे ख्याल से तो बेहतरीन डिवाइस है, मगर मैं प्रेफर करूंगा OnePlus को इसके ऊपर प्राइस के लिहाज से, बाकी Samsung दी बेस्ट है एंड दी बेस्ट है, मगर ये बात याद रहे कि हमें इसके लिए अगले 2 सालों में इसके फीचर्स के लिए पे करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी भी हम पे करेंगे और देन 2 साल बाद भी हम पे करेंगे दोबारा इसको खरीदने के लिए। सो हम इसको 2 दफा खरीदेंगे मोबाइल, बाकी आप बताएं कमेंट में आपको कैसा लगा मोबाइल और कैसा था। सो सब्सक्राइब करें फैजी टूल्स को और ऐसे रिव्यूज देखने के लिए। अल्लाह।